देख सकते हो ऐसी ठंड पड़ रही है, ऐसी ठंड में तो आप लोगों को तापना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ठंड बहुत तेज़ पड़ रही है। तो इसी को आज हम बनाने वाले हैं, वीडियो में दिखाता हूँ आप लोगों को डायरेक्ट। चलो चलते हैं। इसके लिए कि सबसे पहले हम एक कनस्तर का टुकड़ा काट लेंगे कुछ इस तरीके का। उसके बाद करेंगे क्या, एक रोड ले लेंगे जो कि आप लोगों को पता है जो ये वाली रोड होती है ना जलाने वाली, इसका स्टैंड ले लेंगे और इसको ले लेंगे एक। तो उसके बाद मैंने कुछ इस तरीके से इसको काट कर इसका शेप बना लिया था गाइस। बहुत ज़्यादा टाइम लगा करें, 2 दिन लग गए मेरे को इसे बनाने में। अब क्या करते हैं गाइस, इसको मैंने क्या किया खोल लिया है क्योंकि इसको इन दोनों यहाँ पर कैसे होते हैं ना, तो इन दोनों को मैंने खोल लिया है और इसको अलग रख देते हैं। तो अभी फाइनली करते हैं इसको टेस्ट। तो दो पेच ले लिए हैं जो कि इसी में लिख लेते मैंने को, और यहाँ पर मैंने कहा इस इन दोनों छेद के हिसाब से इन दोनों छेदों में यहाँ पर 3 में छेद कर लिए हैं 2। ठीक है, अब बारी है इनको कसने की। तो यहाँ पर एक यहाँ पर कसा जाएगा और जो दूसरा वाला है ना वो गाइस यहाँ पर कसा जाएगा। उसके बाद गाइस मैं इसको फटाफट से इसको कस लेता हूँ इन पेचों की मदद से। तो मैंने इसको कस लिया और गाइस मैंने इसको इस तरीके से रखा है कि आगे पीछे भी आप लोग बड़ा छोटा भी कर सकते हो, इसमें बड़ी रोड भी लगा सकते हो और इसमें छोटी रोड भी लगा सकते हो। मैंने इसको फाइनली कस के लगा लिया है। अभी करते हैं जो जो वाले वायर है ना हम लोग, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को छेद, मैं इस छेद की मदद से इसमें फंसा लूँगा। ठीक है ना गाइस, तो मैं फटाफट से अभी तार को फंसा लिया। अभी चेक करते हैं इस मल्टीमीटर से जो कि ये लाइट वाला। तो एक तार रखेंगे हम यहाँ पर जो कि ब्लैक वायर दिख रहा है यहाँ पर, और दूसरे वाले टेस्टर से हम लोग इसको चेक कर देंगे इसमें अर्थिंग आ रहा है। अगर गाइस इसमें अर्थिंग आ रहा होता तो ये जल जाती, इसमें अर्थिंग नहीं आ रहा है, देख सकते हो कहीं नहीं आ रहा है। और मैं इसके तार जो ब्लैक वाला तार था ना इससे छुपाऊंगा तो हमारी लाइट जल रही है, और अदरवाइज कहीं पर छुपाता हूँ तो लाइट नहीं जल रही, तो इसका मतलब यहाँ पर करंट नहीं आ रहा है। ठीक है ना गाइस, तो अभी मैंने इसको अभी फाइनली चेक करते हैं जला कर। गाइस मैंने इसको लगा लिया है, गाइस मैंने ये पहले चला लिया तो बहुत अच्छा वर्क कर रहा था, तो मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इन दोनों वायर को हम क्या करेंगे डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी में लगा देंगे कुछ इस तरीके से। मैं इसमें यहाँ पर लगा देता हूँ, तो गाइस देख सकते हो आप लोग कितना अच्छी तरीके से हमारा हीटर जो वर्क कर रहा है। और गाइस सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप घर पर ही रहो, ज़्यादा ज़्यादा बाहर मतलब कपड़े पहन के रहो। और गाइस देख सकते हो कितना अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। और हाँ गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ भाई अगली वीडियो कौन सी टॉपिक पर चाहिए उसके लिए कमेंट कर देना।